हे गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। होप आप अच्छे होंगे। तो जैक 2024 का नर्सिंग का रिजल्ट आउट हो गया है और आप लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा कॉलेज लें, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट साईनाथ यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे थे और बोल रहे थे कि वीडियो भी बना दो। तो चलिए, मैं आज आपको साईनाथ यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर कराता हूँ। उसके बाद मैं आपको कॉलेज की लिस्ट बताता हूँ कि कौन सी कॉलेज बेस्ट है, कौन सी कॉलेज लें। अब मैं आ चुका हूँ साईनाथ यूनिवर्सिटी के कैंपस में। कैंपस इंटर करते ही आपको सबसे पहले ये बिल्डिंग दिखेगा जो कि है फार्मेसी का न्यू बिल्डिंग, और इधर पार्किंग एरिया है, और इधर है साईनाथ यूनिवर्सिटी का कैंटीन। तो अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा भूख लगा है, तो मैं यहाँ पे खा लेता हूँ, कुछ देखता हूँ अभी क्या है मेन्यू में। तो मैंने मंगाया है सैंडविच जिसकी प्राइस है 40 रुपये। तो इसका टेस्ट मुझे सही लगा और 40 रुपये में 2 स्लाइस, तो सही है, वैल्यू फॉर मनी है। सैंडविच खा के मैं चलता हूँ एडमिन ब्लॉक की तरफ। तो ये है एडमिन ब्लॉक और इधर है हमारा साईनाथ यूनिवर्सिटी का नर्सिंग कॉलेज। तो चलिए, मैं आपको यहाँ का टूर करा देता हूँ। ये है यहाँ की गैलरी और इधर क्लासेस होती है, और इधर क्लासेस यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको क्लासेस। तो ये है यहाँ की क्लासेस और ये है लाइब्रेरी। तो ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे सब ऐसे ही है। तो और ये है सेकंड पार्किंग, और यहाँ पे कैंटीन आपको दिख रहा है। ये कैंटीन भी बहुत अच्छा है, मतलब सही है, खा सकते हो यहाँ पे आके। और ये है बॉयज़ मेस, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे मेस है और ऊपर में लॉ की क्लासेस चलती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बॉयज़ हॉस्टल के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग और ये है ब्लॉक ए, तो चलते हैं वहाँ पे हम। तो अभी मैं आया हूँ ए ब्लॉक में, जहाँ मैं पहले रहता था। यहाँ मेरा छोटा भाई रहता है, नीरज। तो मैं आपको यहाँ पे रूम टूर करा देता हूँ। और ये है रूम। एक रूम में आपको 3 बेड मिलेंगे और बेड के साथ आपको 3 अलमीरा मिलेंगे जिसमें आप सामान रख सकते हो, और स्टडी टेबल भी मिलेंगे आपको, वो भी 3, एक एक पर्सन को एक एक। और ए ब्लॉक का एक खासियत है कि यहाँ पे आपको अटैच बाथरूम मिलेगा। तो यदि आपको यहाँ मिलेगा तो आप बहुत लक्की हैं, नहीं तो कोई नहीं। तो मैंने अभी सामान ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ दूसरे ब्लॉक में। तो बेसिकली दूसरे ब्लॉक में सेम ही रूम टाइप मिलेगा, एक रूम में 3 लड़के, और बस यहाँ पे डिफरेंट है कि आपको बाथरूम जो मिलेगा वो अटैच नहीं मिलेगा, वो कॉमन में बाथरूम मिलेगा। तो बाथरूम देख सकते हैं ऐसा ही मिलेगा आपको हर जगह पे, सारे ब्लॉक में ऐसे ही बाथरूम मिलेंगे, बी बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब मैं चलता हूँ अपने रूम की तरफ। तो अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या लें, कॉलेज लें, यूनिवर्सिटी लें। तो आप प्रिफर करें कि आप यूनिवर्सिटी लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये होता है कि कैंपस में ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो बैक लगने की चांसेस थोड़ी कम होती है। और कॉलेजेस में क्या होती है कि एग्ज़ाम कहीं और, किसी कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में होती है, तो थोड़ी चांसेस लगती है कि बैक का, क्योंकि आप कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो कोई यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आपको मिलेगा डिग्री कोई भी। जैसे कोई भी कॉलेज होंगे तो उसका, जैसे रांची यूनिवर्सिटी है, तो रांची यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यदि आप उस कॉलेज में नाम लिखाओगे तो आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहोगे, ना कि उस कॉलेज के। कॉलेज का भी रहता है लेकिन यूनिवर्सिटी का ज़्यादा वैल्यू है। और एग्ज़ाम वगैरह आपको दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके देना पड़ेगा। तो इंश्योर करें कि आप यूनिवर्सिटी ही लें, पहले प्रेफरेंस में आप यूनिवर्सिटी डाल लें। तो अब मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको। तो कॉलेज की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आती है रिम्स, रांची यूनिवर्सिटी, उषा मार्टिन, आरका जैन यूनिवर्सिटी, साईनाथ यूनिवर्सिटी, YVN यूनिवर्सिटी, सरला बिरला यूनिवर्सिटी, झारखंड राय यूनिवर्सिटी, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, नेता सुभाष यूनिवर्सिटी जो कि जमशेदपुर में है, और हाँ, एम्स जो कि देवघर में है, वहाँ भी नर्सिंग की क्लासेस होती है, मतलब नर्सिंग की डिग्री वहाँ से भी होती है। इस लिस्ट के हिसाब से टॉप में एम्स देवघर ही आना चाहिए। लेकिन लेकिन ये जो जैक जैक के थ्रू आपको जो भी नर्सिंग कॉलेज मिलेंगे
उसके थ्रू आपको एम्स देवघर नहीं मिलेगा। तो यदि आप एम्स देवघर में यदि आप दाखिल होना चाहते हो तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग की एक एग्ज़ाम होती है वो देनी होगी, जिसके थ्रू आपको वहाँ पे सीट मिलेगी। तो होप आपको बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिले, तो बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।